हेलो एंड वेलकम गाइज, मेरा नाम तस्कीर है। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं PSL के चर्चे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्वालिटी जो है IPL से ज़्यादा क्वालिटी PSL में मिलती है हमें। क्वालिटी मैचेस यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी चीज़ें, अच्छे विजुअल्स देखने को मिलते हैं। सो इंडियन मीडिया प्रेज ब्यूटी ऑफ PSL आफ्टर पेशावर ज़ल्मियन कराची किंग्स। तो देखते हैं क्या कहता है इंडियन मीडिया हमारा पाकिस्तान के PSL के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। हार्ट अटैक, अगर इस तरीके के मुकाबले और हो जाए ना, मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, मेरे को कसम से हार्ट अटैक आ जाएगा। ये तुम लोग पाकिस्तान वाले मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ये आराम से मुकाबला नहीं जीतते हो क्या? ये मेरा पहला PSL है और इतना शानदार मुकाबले हो रहे हैं भाई, इतना शानदार मुकाबले। वो जो आप लोग बोलते रहते ना कि भाई क्वालिटी तो आपको यहीं पे मिलेगी, आप लोग सच में बोल रहे हैं, क्वालिटी अगर कही है ना, क्वालिटी यहीं पे है ब्रो, क्वालिटी यहीं पे है। सामने क्रम पाकिस्तानी ब्रांड PSL जहां पहले ही मकबूलियत की इंतहा को छू रहा था, वहीं इसमें होने वाले सनसनीखेज मुकाबले जैसा कि पहले दिन लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मुकाबला हुआ और एक रन से लाहौर कलंदर ये मैच जीता, और गुज़श्ता रोज होने वाला एक और सनसनीखेज मुकाबला जिसमें पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के मबैन ये खेल था और पेशावर ज़ल्मी ने 2 रन से ये मैच जीता है। आखिरी ओवर में जाकर, आखिरी बॉल पर जाकर उसने इस लीग की मकबूलियत को मजीद 4 चांद लगा दिए हैं। इस तरह की क्वालिटी अगर देखने में मिली तो इसमें कोई बईद नहीं कि वो भारतीय जो इसकी मुखालफत में आए रोज प्रोपेगेंडा करते हैं, वो भी अपने दूसरे साथियों की तरह इसकी तारीफ करने में लग जाएंगे, जैसा कि चंद भारतीय अपनी कौम की मुखालफत मूल लेते हुए पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की बेस्ट लीग करार देते हैं। आगे चलकर आपको गुज़श्ता रात होने वाले सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारतीय सहाफी का तबसरा सुनाएंगे कि किस तरह एक एक बॉल भारतीयों ने बैठकर देखी और इस सनसनीखेज मुकाबले और जबरदस्त खेल के बाद किस तरह PSL को दुनिया की टॉप लीग करार देते हुए वो ये कहते दिखाई देते हैं कि इसे कहते हैं मुकाबला और हम भारतीयों को भी हार्ट अटैक करवाने लग जाएंगे ये पाकिस्तानी, जैसे कि ये दुनिया भर के किसी भी बड़े टूर्नामेंट में करवाते हैं अपने जबरदस्त खेल को पेश करके। कल का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प था क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम और कराची किंग्स के कैप्टन इमाद वसीम के साथ साथ उनके अटैकिंग बॉलर मोहम्मद आमिर के बाबर आजम के बारे में चंद बयान सुर्खियों में जगह लेने में कामयाब हुए, जिसके बाद एक कॉन्ट्रोवर्सी बनी और फिर जिस तरह जोशो जज्बा मजीद बढ़ा उसके बाद तो ऐसे ही सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को थी। और जिस तरह बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए जबरदस्त खेल पेश किया, बाबर आजम ने जबरदस्त 50 बनाई, नाकदीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जिनमें मोहम्मद आमिर को भी जबरदस्त कोर ड्राइव शामिल थी, उसने सोशल मीडिया और प्राइम मीडिया में तो इस मैच की हाइप को मजीद बढ़ा दिया था। आइए आपको लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि सारे मामले पर भारतीय सहाफी कैसे पाकिस्तान सुपर लीग की तारीफें करता नजर आ रहा है कि ये होती है लीग और ये होता है मुकाबला। आ गया भाई, आज तो बाबर आजम ने, बाबर आजम की टीम ने ना आज कसम से, अब किसी के साथ हार भी जाए ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब हार भी जाए ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्रो, लेकिन आज जो जीता है ना अंदर दिल से खुशी हो रही है, वैलेंटाइन डे दिन मन गया हमारा, 2 रन से जीते हैं यार, ज़ल्मी ने 2 रन से जीता। लेकिन मैं बताऊं सालों ने हरवाने का पूरा एकदम से मन बना के रखा हुआ था, जिसने दिल जीत लिया यार, इमाद वसीम ने दिल जीत लिया यार, मतलब जितनी तारीफ की जाए आज कम पड़ेगा यार, जितनी तारीफ की जाए यार कम पड़ेगा, कमाल की यार, बेहतरीन बल्लेबाजी हुई, बेहतरीन आज फील्डिंग पेशावर ज़ल्मी की नहीं हुई, फील्डिंग अच्छी हुई थी आज कराची किंग्स की यार, क्या गजब की आज मैच हमको देखने को मिला। ये PSL भाई, ये PSL लोग PSL की तारीफ करते हैं भाई, वो अब मैं मान गया, मैं ये मेरा पहला PSL है और इतना शानदार मुकाबले हो रहे हैं भाई, इतना शानदार मुकाबले। वो जो आप लोग बोलते रहते ना कि भाई क्वालिटी तो आपको यहीं पे मिलेगी, आप लोग सच में बोल रहे हैं, क्वालिटी अगर कही है ना, क्वालिटी यहीं पे है ब्रो, क्वालिटी यहीं पे है, क्वालिटी यहीं पे है, PSL में क्वालिटी है, और ये बात मैं मान रहा हूं, ओपन कैमरा में बोल रहा हूं कि PSL में क्वालिटी है, गजब की क्वालिटी है, मतलब लाजवाब आज बल्लेबाजी गेंदबाजी हुई है, पूरा ड्रामा देखने को मिला यार आज के मुकाबले में, पूरा ड्रामा देखने को मिला है कराची किंग्स और इसमें, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में, बाबर आजम ने आज मजा आ गया भाई, हमको तो बहुत ज्यादा मजा आया। IPL में क्वालिटी नहीं है क्या? IPL में क्वालिटी है, लेकिन गेंदबाजों का इस तरीके का क्वालिटी नहीं है IPL में ब्रो, इस तरीके का क्वालिटी नहीं है भाई, कहीं ना कहीं देखो, सच को सच बोलता, झूठ को झूठ बोलता मैं डायरेक्ट, ठीक है, क्वालिटी इस टाइप का तो नहीं है, ये जो लगातार क्वालिटी क्वालिटी की बात करते हैं ना, ये है सच में मजा आ गया भाई। लेकिन एक बात मैं बोलूं, इमाद वसीम ने जो आज पारी खेली है ना भाई, इमाद वसीम ने जो पारी खेली है ना, गजब पारी, मैं तारीफ के हकदार है, वो बंदा आज तक कभी भी उन्होंने 60 रन क्रॉस नहीं किया था और आज गजब की इनिंग्स खेली है, लेकिन खेली कैसे है आज, खेली है इमाद वसीम ने, जिमी निशम ने उनका कैच छोड़ दिया, एक एक बॉलर ने, मेरे को तो ऐसा लग रहा था ना कि
आज पेशावर जलमी जितना ही नहीं चाह रहा था, आज पेशावर जलमी जितना ही नहीं चाह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था भाई आप ग्लोबल पे ग्लोबल डाले जा रहे हो, वहां भी आज क्या छोड़ रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है। और तो और जब स्लो ओवर रेट था, स्लो आता कि रो देगा बंदा, बाबर आजम ऐसा लग रहा था रो देगा यार। उधर डैरन सैमी परेशान हो रहा है, वो डैरन सैमी उधर परेशान हो रहा है कि सालों मजाक बना के रखे हो क्या, यहाँ पे आउट हो रहा है नो बॉल हो रहा है, आउट हो रहा है नो बॉल हो रहा है, मतलब वहां रियाज इतने बड़े क्रिकेटर है यार, इतना बड़ा क्रिकेटर है, इतना ज्यादा उनको अनुभव है यार। वो कैच पे कैच छोड़ा जा रहा है शोएब मलिक का भाई, वो कैच पे कैच छोड़ा जा रहा है। और आज मैं बताऊं शोएब जट को, इफ्फी रजा को, वासे हबीब को नींद नहीं आने वाला आज के मुकाबले में, आज नींद नहीं आएगा। कहां गए बाबर हेटर, बहुत लोग प्रे कर रहे थे, बहुत लोग प्रे कर रहे थे कि आज जो है कम से कम बाबर आजम हार जाए ना तो जम के बुराई करेंगे, ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर पाकिस्तान के थे। लेकिन मैं बताऊं सच में यार, हार्ट अटैक अगर इस तरीके के मुकाबले और हो जाए ना, मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, मेरे को कसम से हार्ट अटैक आ जाएगा। ये तुम लोग पाकिस्तान वाले मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ये आराम से मुकाबला नहीं जीतते हो क्या, तुम लोग ये आराम से मुकाबला नहीं जीत सकते क्या, मतलब हर मैच में इतना रोमांचक थ्रिलर बनाना जरूरी है क्या तुम लोगों को, मतलब यार कैसे कल एक रन से मुकाबला जीते हो यार, 19वें ओवर तक कल मुल्तान सुल्तान मुकाबला जीत रहा था और आज भी वही हुआ था ब्रो, आज भी वही हुआ था कि जो है ये पेशावर जलमी आराम से मुकाबला जीत रहा, 46 रन पे 4 विकेट गिर गए और आपने 140 रन की पार्टनरशिप होने दी यार, लानत है। बोलते हैं ना इफ्फी रजा, बोलता है ना लानत है, मैं बताऊंगा इनके गेंदबाजों पे, पेशावर जलमी के गेंदबाजों पे लानत है। और मैं ट्वीट करके ये भी बोल रहा था ये जलमी वाले ये क्या कहता है कि इन्होंने गेंदबाज खरीदे नहीं क्या, ऐसे ऐसे गेंदबाज खरीदे हैं इन्होंने कि भाई साहब नो बॉल दे रहे हैं, पैर सबके इतने लंबे हो गए। मैं बता रहा हूं अभी ये लोग ड्रेसिंग रूम जाए, बाबर आजम जो है ना आड़ी ले ले और सबका पैर काटे, दो दो सेंटीमीटर ना, दो बिलांग ना सबका छोटी कर दे, क्योंकि नो बॉल पे नो बॉल डाले जा रहे हैं। उधर वहां भी आ जाओ, वो भी नो बॉल डाल रहा है। मैं तो बताऊं बाबर आजम की जगह मैं रहा था ना, मैं बताऊं मतलब नो बॉल पे नो बॉल डाले जा रहे हो। और चाले वो जिम्मी निशम कैच छोड़ा जा रहा है यार, इतना आसान कैच है वो छोड़ा जा रहा है। भानुका राजपक्षे के पास भी कैच आया था, उस बंदे ने मोहम्मद हारिस को कैच नहीं लेने दिया, वहां भी वो कैच छोड़ रहा है यार, मजाक चल रहा है क्या यार। आज पूरा कोशिश किया था पेशावर जलमी कि भैया आप ना मुकाबला जीत लो, हमें जीतने से नहीं मतलब है, हमारे यहां तो ऐसा ही चलता है, ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। लेकिन भाई मैं बताऊं आज ना भगवान साथ था, आज ना ऊपर वाला आज बाबर आजम के साथ था और साथ दिया, सही नियत वाला बंदा यार। आज बाबर आजम की जीत नहीं हुई है, वासे हबीब की, आज इफ्फी राजा की। और जो लोग बाबर आजम को ट्रोल करते सालों, सुधर जाओ बाबर आजम, इस साल पीएसएल जीतने वाला, सुधर जाओ। सबको आज नींद नहीं आने वाली, नींद उड़ा दिया इतनी घटिया गेंदबाजी होने के बाद भी ब्रो, इतनी घटिया गेंदबाजी होने के बाद भी बाबर आजम की टीम जो है ना वो जीत रही है भाई, इसमें मैं सल्यूट करता हूं यार। अगर इनके पास अच्छी गेंदबाजी आ जाए ना भाई, पीएसएल जीत लेगा, ये बंदा पीएसएल जीत लेगा। खुर्रम शहजाद यार इतना रन खा रहा है वो बंदा, इतना नोबॉल पे नोबॉल डाल रहा है आज। आज मैं बता रहा हूं, मुझे इसलिए नहीं कि खुशी हो रही है कि आज जो है ये जीत गया, आज सब कुछ हुआ है, आज वैलेंटाइन डे था, आज इमाद वसीम की टीम को बाबर आजम ने हराया है, आज बाबर आजम ने कवर ड्राइव पे चौका मारा है मोहम्मद आमिर को, औकात दिखाया उसको, औकात दिखाया, औकात बोला कि साले मेरे सामने तू मत बोल, मेरे सामने बच्चा है तू, बल्ले से जवाब दिया। बहुत चीज हुआ है आज। और मैं बताऊं सच में यार, दिल से मैं प्रे कर रहा था यार, मैं प्रे कर रहा था किसी तरीके से यार आज जीत जाए यार, वरना फजीयत हो जाएगी मेरा। मैंने तो ट्विटर हैंडल पे मैंने इतना ज्यादा बाबर आजम का शेयर किया हुआ यार, मुझे लगा साले ये लोग मेरे को ट्रोल करेंगे यार, बाबर आजम हारेगा ना तो मेरे को ट्रोल करेंगे और मेरे को बोलेंगे कि बता अविनाश तेरी तो टीम हार गई है। आज मैं नहीं रुकने वाला, कहा गया मैं सारे सब बुला उसको। इस सीन के बारे में इंडियन मीडिया भी चर्चे कर रहा है, पाकिस्तान के पीएसएल के। और सच में क्वालिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि बॉलिंग की क्वालिटी कहीं और नहीं मिलती जितनी पाकिस्तान में या फिर पीएसएल में मिलती है। पहली बात तो पाकिस्तान में ही काफ़ी ज़्यादा स्पीड गन्स हैं, स्पीड गन के साथ साथ क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, स्पिन हो चाहे कोई सी भी बॉलिंग हो, स्पीड सबसे मेन चीज़ है पाकिस्तान के पास, प्लस पॉइंट है सारी कंट्रीज से ज़्यादा स्पीड, तो उस लिए क्वालिटी बढ़ जाती है पीएसएल की और ज़्यादा, ये तो मानना पड़ेगा। बाकी बात करें बाबर आजम को उल्टा सीधा बोलने वाले, बाबर आजम को पर उंगलियां उठाने वाले, आज बाबर आजम के साथ इंडियन मीडिया, इंडियन यूट्यूबर्स उनका साथ दे रहे हैं जो उल्टा सीधा बोलते हैं। पाकिस्तानियों को मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है बाबर आजम को उल्टा सीधा बोलते हुए, जो क्रिकेट रिव्यू करते हैं उनके वीडियोज़ मैंने देखा है। तो वैसा एंटरटेनमेंट कर रहे हो आप पब्लिक का, वो अच्छी बात है, लेकिन बाबर आजम ने ये कर दिया, इसको निकालो, ये निठल्ला है और ऐसा है वैसा है, बहुत उल्टा सीधा सुना है मैंने। बाबर आजम की आप बैटिंग देखिए,
बार बार हर बॉल पर जब वो शॉट नहीं लगा पा रहा था तो उसको उल्टा सीधा बोला जा रहा था आमिर की तरफ से, आमिर कुछ ना कुछ बोल रहा था, लेकिन वो नीचे देखा, अपने बैट संभाला उसने, अगली बॉल के लिए तैयार हो गया। इतना काम बंदा, इतना कंपोज, इतना स्वीट बंदा। यार मैं बल्ले से जवाब दूंगा, मतलब बोला नहीं, अंदर ही अंदर सोचा, सबको पता है उनने बल्ले से जवाब दिया। और वो कवर ड्राइव की तो क्या ही चर्चे हैं भाई, क्या शॉट लगाकर मुंह बंद कर दिया। हम सोचते थे यार आमिर में वो टैलेंट है, उसको वापस आना चाहिए, कम उम्र में निकल गया था, उस बंदे को आना चाहिए। लेकिन यार अब जो हरकत की है ना, उसके बाद हम सोचते हैं, मैं पर्सनली सोचता हूँ, बहुत आएंगे, बहुत क्वालिटी आएगी, बहुत आएंगे फास्ट बॉलर्स। एक तो आ गया है इहसानुल्लाह, बहुत आएंगे, क्या ज़रूरत है आमिर की ऐसी हरकतों। भाई कैरेक्टर मेन चीज़ है, कैरेक्टर अच्छा है तो आपके टैलेंट को ऊपर भेजने वाले बहुत होंगे। कैरेक्टर आपका अच्छा नहीं है, आपके अंदर जलन है, बहुत बुरी चीज़ें हैं, दूसरों से जलते हो, तो आपको कोई आगे नहीं ले जा सकता, आप भले ही सबसे ज़्यादा टैलेंटेड सही। सो ये तो मेरा मानना है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल एंड करते हैं इस वीडियो को, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।